Vighnaharta Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha. अब तुम्हारी माया नहीं, युद्ध होगा यहाँ। यही तुम्हारी इच्छा है, तो मैं भी तैयार हूँ। अस्त्र शस्त्र कहाँ है तुम्हारे बालिका? या अपनी इस जाप माला और भजन ताल से ही युद्ध करोगी? ये तो तुम्हारी समझ पर निर्भर करता है। समझो तो जाप माला और समझो तो अस्त्र। बहुत हुआ इसका ये राग, अब मैं इसे समझाता हूँ। इसकी जाप माला में इतनी शक्ति है। हटो, वहां से हटो। कहां? अच्छा, धन्यवाद। नहीं नहीं, धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं। मेरा हृदय है ही इतना विशाल, विपत्ति में मैं सभी को बचाता हूँ। वास्तव में मैं इतना चतुर हूँ कि मुझे आने वाली विपत्ति का आभास पहले ही हो जाता है। तुमने मुझे बचाया तो तुम शत्रु तो नहीं हो सकते। हाँ, और तुमने मुझे बचाया इसलिए मैं भी तुम्हारा विश्वास कर सकता हूँ। तो मुझे शीघ्रता से गणेश जी, क्या हुआ वहाँ? अपनी श्वास रोक कर ऐसे दिखाऊंगा जैसे मैं खेलने वाला मूषक हूँ। हाँ, ये सही रहेगा। मेरा प्यारा मूषक, मेरा गुड्डा मूषक। यहाँ से आपके चित्कार सुनाई दी थी, क्या हुआ? उसके गिरने से मैं डर गई थी, किंतु सब ठीक है, आप जाइए। ये मूषक आपका खिलौना है? और किसी पशु का खिलौना नहीं बना सकती थी? ये तो देखने में अच्छा भी नहीं लग रहा है। ये जैसा भी मेरा मित्र है, आप जाइए यहाँ से। इसे और बड़ा बुला कहा तो मैं पिताश्री से कह दूंगी। जी। चलो, इतना तो हुआ कि तुम मुझे शत्रु नहीं मित्र मानती हो। हाँ हाँ मित्र, चलो मेरे साथ। किंतु कहाँ कहाँ चलूँ तुम्हारे साथ? और कहाँ? पिताश्री के निकट। ये मुझे भंडासुर के पास क्यों ले जाना चाहती है? कहीं इस पर विश्वास करके मैं भूल तो नहीं कर रहा? मुझे अपने कार्य में विलंब हो रहा है, इसलिए तुम जाओ अपने पिता के पास, मैं अपने कार्य के लिए जाता हूँ। अरे रुको मूषक। अभी तो इसने कहा इससे विलंब हो रहा है, तो ये लौट क्यों आया? मित्र हो तो इन प्रहरियों से इतना डर क्यों रहे हो? तुम मित्र हो तो भंडासुर जी के पास क्यों ले जाना चाहती हो? कुछ तो गड़बड़ है, मुझे इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। लौट जाओ यहाँ से, इस पुष्प भूमि को अपनी मृत्यु भूमि मत बनाओ। माया बिड़ी, मृत्यु तो तुम्हारी होगी, तुम्हारी होगी, तुम्हारी होगी।
सैनिकों। अब मैं भी देखता हूं तुम अपनी इस जाप माला ताल और तितली को अस्त्र बनाकर युद्ध कैसे करती हो। समझ। सैनिकों रुको मत, आक्रमण करो। क्या हो रहा है? इसका वेग इतना तीव्र कैसे? सावधान सैनिकों! मेरी सेना एक ही उड़ान में उसका अंत कर दिया इसने। रक्तपात को रोकने का एक ही उपाय है। आज का युद्ध समाप्त होने से पूर्व मुझे अपना यज्ञ संपन्न कर महादेव को यहां आने पर विवश करना होगा। प्रणाम प्रभु महाशिव। ये अपने किसी भी विजय का कितना भी आनंद क्यों ना मना ले, किंतु अंतिम विजय का उत्सव तो मैं ही मनाऊंगा। अब और दो मोदक ही खा सकता हूँ, तीसरा खाया तो मेरा पेट ही फट जाएगा। माता से गणेश की यह हालत देखी नहीं जा रही, अब मुशक जी को शीघ्र कुछ करना होगा। पहरियों! क्यों, उन्हें क्यों बुलाया तुमने? पहरियों! कहाँ जीपू, कहाँ जीपू मैं?
इसने फंसा ही दिया ना मुझे, तो अब मैं गणेश जी की सहायता कैसे करूंगा? और वहाँ युद्ध समाप्त होते ही भंडासुर भी लौट आएगा, फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। इन प्रहरियों से बचने के लिए मैं पुनः अपनी श्वास रोक कर निर्जीव होने का स्वांग करता हूँ। जी राजकुमारी जी। महारी जी, ये खिलौना नहीं, ये चलता फिरता जागता हुआ बोलने वाला मूषक है, और ये हमारा मित्र नहीं शत्रु है। एक बालिका तितली पर सवार होकर हमारी संपूर्ण सेना का संहार कैसे कर सकती है? मैंने कहा था ना, मेरे सुंदर उपवन को युद्ध भूमि मत बनाओ। इस पुष्प भूमि को रक्त रंजित मत होने दो। अभी तो युद्ध आरंभ हुआ है बालिके, इन साधारण सैनिकों का वध करके ये मत समझो कि तुम विजयी हो गई। हमारी शक्ति तो तुम अब देखोगी जब हम अपने अस्त्र उठाएंगे। जिनके पश्चात ना तो तुम हमारे अस्त्रों से बच पाओगी, ना ही तुम्हारे अस्त्र हमारे कवच को भेद पाएंगे। हम विशुक्र पुत्रों ने मायावी ढाल उत्पन्न कर दी है, आप कोई अस्त्र इन्हें नहीं भेद पाएगा। बालिका, अब प्रहार भी हम ही करेंगे और तुम्हारा संहार भी। मेरा बाण नष्ट हो गया। ये कोई साधारण शक्ति नहीं, महादिव्य शक्ति है जिससे ये असुर मुझ पर प्रहार कर रहे हैं, किंतु अब मैं इन पर अपना वार करूंगी। देखा बालिका, समझ आया तुम्हें? असली युद्ध तो अब आरंभ हुआ है। हमारे अस्त्रों का कोई काट नहीं है तुम्हारे पास। विशुक्र पुत्रों की मायावी ढाल तुम्हारे किसी भी अस्त्र को हम तक नहीं पहुंचने देगी, और यदि ऐसा हुआ भी तो भी विषम पुत्रों की मायावी विनाशक शक्ति उन शस्त्रों को नष्ट कर देगी, और तब हम भंड पुत्र 105 ब्रह्मांडों के देवास्त्रों के समान शक्तिशाली अस्त्रों का प्रयोग कर तुम्हारे साथ अन्य देवियों का अंत भी वैसे ही करेंगे जैसा तुम्हारी तितलियों का किया था। मायावीणी, अब सामना करो हमारे अस्त्रों का। और ये है मेरे विद्युतास्त्र का प्रहार। वायु अस्त्र का वायु प्रवाह, और इन सभी से बच गई तो यह यमास्त्र तुम्हें यमराज के पास भेज देगा।
अब हम तुम्हें और तुम्हारी माया दोनों को नष्ट करेंगे। बालिके, अपनी छोटी बुद्धि की छोटी स्मरण शक्ति से मेरे भ्राता विषंग पुत्रों को भूल गई क्या? हमारे अस्त्रों की शक्ति उसके बाणों में कैसे समाहित हो गई? तो हमें इस पर और शक्तिशाली प्रहार करना चाहिए। वहां युद्ध भूमि में माता बाल त्रिपुर सुंदरी और यहाँ इस भवन में मैं, दोनों ही आज कठिनाइयों से घिरे हुए हैं, क्योंकि माता वहां उन 24 असुर पुत्रों से अकेले युद्ध कर रही हैं और अब मैं ये अंतिम दो मोदक खा सकता हूँ। पुत्र गणेश का संकट अब भी दूर ना हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। मैं अनुज को इस अवस्था में नहीं देख सकता माता। मैं अभी जाकर उसकी सहायता करता हूँ। नहीं पुत्र कार्तिकेय, मूषक जी श्री माता ललिता से पुत्र गणेश की सहायता का उपाय प्राप्त कर पहले से ही वहाँ। किंतु माता, मूषक जी वहाँ है तो वो अभी भी गणेश तक पहुँचे क्यों नहीं? गणेश अभी भी संकट में क्यों है? ये चलता फिरता मूषक है। अच्छा राजकुमारी जी, हमारे साथ आप परिहास कर रही हैं? नहीं नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। ये चलता भी और बोलता भी है। बहुत चतुर है ये, आपके सामने अपना सत्य नहीं आने देता। आप चिंता मत करिए, इसका सत्य हम ज्ञात कर लेंगे अभी। ओम गणपते नमः। ये विघ्नहर्ता गणेश जी, मैं तो आपकी सहायता करने आया था, किंतु मैं ही संकट में आ गया। मुझे बचा लीजिए प्रभु, बचा लीजिए। प्रहार करना है तो वही करें, गुदगुदी क्यों कर रहे हैं? रुको बेटी मूषक। मैंने कहा था ना, ये मूषक उछल के भी पीछे जा सकता है, तो देख क्या रहे, जाइए उसे पकड़िए। चलो। गर्व है मुझे अमरपुर के योद्धाओं पर, जिनकी उत्तम रणनीति से अब ना तो ये देवी उन पर आक्रमण कर सकेगी और ना ही अधिक समय तक उनसे अपना बचाव कर सकेगी। उनके केशों को बांध कर उनकी शोभा बढ़ाने वाली भीनी शीघ्र ही मेरे पुत्रों के हाथों में होगी। हमारी शक्ति से उसके बाण तप रहे हैं, तो क्यों ना हम इनका ताप बढ़ाकर इन बाणों को इस देवी के हाथों से छुड़ा दें। आनंद आ रहा है मुझे,
बहुत आनंद आ रहा है। यहाँ ये देवी विवश हो रही है और वहाँ श्री गणेश जी पहले से ही विवश हैं। अब बस एक मोदक और अब शीघ्र ही प्रभु महाशिव भी यहाँ आने के लिए बाध्य हो जाएंगे। ओम आदि शंकराय नमः, ओम महाशिवाय नमः। जिस मनुष्य की बुद्धि दुर्भावना से युक्त है वो धर्म और अर्थ की बातों को जानने पर भी उन्हें पूर्ण रूप से समझ नहीं सकता।